2 जून 1965 को ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स के कैंपसी नामक एक जगह में रोजर और बेवरली वाह दंपत्ति के घर में 2 जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। किसको पता था कि ये दोनों ही जुड़वा बच्चे आगे चलकर विश्व क्रिकेट में अपना परचम लहराने वाले थे। आज हम उन्हीं जुड़वा बच्चों में से एक की बात करने जा रहे हैं जिन्हें दुनिया स्टीव वाह के नाम से जानती है। वो अपने समय के शानदार बल्लेबाज तो थे ही, इसके अलावा उनकी गिनती विश्व के सबसे सफल कप्तानों में भी की जाती रही है। तो चलिए आज बात करते हैं इस महान सितारे की जिंदगी के बारे में। स्टीव वाह का पूरा नाम स्टीवन रोजर वाह है। लोग उन्हें प्यार से आइसमैन के निकनेम से भी बुलाते हैं। उनके पिता रोजर एक बैंक अधिकारी थे और उनकी माँ बेवरली एक टीचर थी। स्टीव एक स्पोर्टिंग फैमिली से बिलोंग करते हैं। स्टीव के दादाजी भी एक रग्बी प्लेयर थे और उनके पिता रोजर भी बैंक में काम करने से पहले एक शानदार टेनिस प्लेयर हुआ करते थे। इसलिए 6 साल की उम्र तक आते आते स्टीव अपने भाई मार्क के साथ फुटबॉल, टेनिस और क्रिकेट खेलने लगे थे। इस दौरान वो अपने पिता के गाइडेंस में घर के बैकयार्ड में ही क्रिकेट की प्रैक्टिस किया करते थे। स्टीव क्रिकेट के अलावा फुटबॉल भी काफी अच्छा खेल लेते थे और स्कूल के दिनों में उन्होंने अपनी स्कूल टीम के लिए फुटबॉल खेलते हुए कई ट्रॉफियां भी जीती है। जब स्टीव और मार्क 13 साल के हुए तब उनके अंकल बॉर्न ने, जो कि बैंक्सटाउन फर्स्ट क्लास क्रिकेट टीम के कप्तान भी थे, उन्होंने दोनों भाइयों को क्लब के अंडर 16 टीम के ट्रायल के लिए बुलाया, जहां दोनों भाइयों का सिलेक्शन भी हो गया। इसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया के अंडर 19 क्रिकेट खेलने वाली टीम में भी अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे, जहां उन्होंने अपने खेल से सभी को प्रभावित किया। जूनियर क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद साल 1984 में उन्होंने न्यू साउथ वेल्स क्रिकेट टीम की तरफ से खेलते हुए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपना डेब्यू किया। इसी दौरान उन्होंने शेफील्ड शील्ड के फाइनल मुकाबले में लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए 71 रनों की पारी खेली और अपनी टीम की जीत में अहम योगदान दिया। न्यू साउथ वेल्स क्रिकेट टीम के लिए 10 फर्स्ट क्लास मैच खेलते हुए ही उन्हें ऑस्ट्रेलिया की नेशनल क्रिकेट टीम की तरफ से बुलावा आ गया। इतना ही नहीं, उन्हें साल 1985-86 के सीजन के अंत में भारत के खिलाफ होने वाली टेस्ट टीम में भी जगह दी गई। इस तरह उन्होंने 26 दिसंबर 1985 को भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट में खेलते हुए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना कदम रखा। अपने 4th टेस्ट मैच में ही उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए पहली पारी में 74 रन बनाए और साथ ही 4 विकेट लेकर अपनी काबिलियत को भी साबित कर दिखाया। इसके बाद उन्होंने साल 1986 के बेंसन एंड हेजेज ओडीआई सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ ही खेलते हुए एक दिवसीय क्रिकेट में अपना डेब्यू किया। क्योंकि ये मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था, इस वजह से उन्हें कुछ भी कर दिखाने का मौका नहीं मिला। लेकिन इसी सीरीज के दूसरे ही मैच में उन्होंने भारत के खिलाफ खेलते हुए एक बार फिर बल्ले और गेंद दोनों से कमाल दिखाते हुए 40 रन बनाने के साथ साथ 2 विकेट भी लिए और ऑस्ट्रेलिया की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। इसके अलावा उन्होंने आगे के मैचों में भी कई बेहतरीन पारियां खेली और ऑस्ट्रेलियन टीम में अपनी जगह के दावे को और भी पुख्ता किया। इसके बाद वो साल 1987 के वर्ल्ड कप खेलने वाली टीम में भी जगह बनाने में कामयाब रहे। इस वर्ल्ड कप में उन्होंने कई छोटी छोटी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण पारियां खेली और साथ ही गेंदबाजी करते हुए जब भी टीम को विकेट की जरूरत पड़ी विकेट भी निकाल कर दिए। उन्होंने इस वर्ल्ड कप में बल्लेबाजी करते हुए 167 रन बनाए और गेंदबाजी करते हुए 11 विकेट भी लिए, जिसकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को फाइनल में हराकर पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बना। उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन के सिलसिले को टेस्ट क्रिकेट में भी बरकरार रखा। इसी क्रम में उन्होंने साल 1989 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले 2 टेस्ट मैचों में नाबाद रहते हुए 177 और 152 रनों की लाजवाब पारियां खेली और टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला और दूसरा शतक भी बना दिया। इसी साल क्रिकेट के बाइबिल कहे जाने वाले विजडन मैगजीन ने उन्हें विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुना। लेकिन इसके बाद उनके जीवन में भी वो दौर आया जो हर खिलाड़ी के जीवन में एक बार जरूर आता है, और वो है खराब फॉर्म का दौर, जिससे स्टीव वाह भी अछूते न रह सके। उनके खराब फॉर्म का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 1990 से लेकर साल 1992 तक टेस्ट क्रिकेट में उनके बल्ले से एक भी अर्धशतक नहीं निकला। इस दौरान उन्हें टेस्ट टीम से ड्रॉप भी कर दिया गया। इसी बीच साल 1992 का वर्ल्ड कप आया। ये शायद ऑस्ट्रेलियन लेजेंड एलन बॉर्डर का आखिरी वर्ल्ड कप भी होने वाला था। सब उम्मीद कर रहे थे कि इस वर्ल्ड कप में भी डिफेंडेंट चैंपियन ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करेगी, लेकिन उम्मीद के विपरीत ऑस्ट्रेलियन टीम इस वर्ल्ड कप में अपना बेस्ट नहीं दे पाई, जिसकी वजह से
ऑस्ट्रेलियन टीम सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सकी। साल 1992 के वर्ल्ड कप में नाकामी के बाद एलन बॉर्डर ने कप्तानी छोड़ दी, जिसके बाद मार्क टेलर को ऑस्ट्रेलियन टीम का नया कप्तान बनाया गया। साल 1995 में मार्क टेलर की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया की टीम वेस्टइंडीज की धरती पर 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने के लिए गई। इस टेस्ट सीरीज से पहले वेस्टइंडीज की टीम साल 1980 के बाद से कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं हारी थी, लेकिन इस टेस्ट सीरीज में स्टीवा ने कमाल का ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए वेस्टइंडीज के इस रिकॉर्ड को तार तार करके रख दिया और ऑस्ट्रेलिया को इस सीरीज में 2-1 से जीत दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इतना ही नहीं, उन्होंने सीरीज में कटली एम्ब्रोस और कटनी वाल्स जैसे वेस्टइंडीज के घातक गेंदबाजों का डटकर सामना करते हुए जमकर रन बनाए और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी जीता। इसी सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच में उनका और कटली एम्ब्रोस का रोमांचक टकराव भी लोगों को देखने को मिला था। इसके बाद साल 1996 के बेंसन एंड हेजेज वर्ल्ड सीरीज में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 102 रनों की उम्दा पारी खेली और एक दिवसीय क्रिकेट में अपना पहला शतक भी बना दिया। साल 1997 में मार्क टेलर द्वारा एक दिवसीय क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बाद स्टीव वॉ को ऑस्ट्रेलियन एक दिवसीय क्रिकेट टीम की कप्तानी भी सौंप दी गई। अपनी कप्तानी में स्टीव वॉ ने ऑस्ट्रेलियन टीम को एक नए सिरे से निखारा और उनकी कप्तानी में एडम गिलक्रिस्ट, रिकी पॉन्टिंग, शेन वार्न और ग्लेन मैकग्रा जैसे खिलाड़ी एक मैच विनर के रूप में उभर कर दुनिया के सामने आए। इसी दौरान वो लगातार बल्ले से भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। इसी क्रम में साल 1996 और साल 1997 में वो लगातार आईसीसी टेस्ट रैंकिंग बैट्समैन की सूची में नंबर 1 पर रहे। साल 1999 के वर्ल्ड कप में स्टीव वॉ ने खुद आगे आकर टीम का नेतृत्व किया। उनकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर 1987 के वर्ल्ड कप के प्रदर्शन को दोहराते हुए पूरे टूर्नामेंट के दौरान हर फील्ड में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम के खिलाफ सुपर सिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबले में जब ऑस्ट्रेलिया की टीम एक वक्त 48 रनों पर अपने 3 टॉप ऑर्डर बैट्समैन का विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही थी, तब उस वक्त स्टीव वॉ ने क्रीज पर आकर मोर्चा संभाला और शानदार बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 120 रनों की मैच विनिंग कप्तानी पारी खेली और अपनी टीम को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया, जहां ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला एक बार फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही था। उस कम स्कोर वाले मैच में भी उन्होंने 56 रनों की बहुमूल्य पारी खेली थी, जो बाद में निर्णायक भी साबित हुई। अंत में ये मुकाबला टाई हुआ और बेहतर रन रेट और सुपर सिक्स मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत की वजह से ऑस्ट्रेलिया को विनर घोषित कर दिया गया। अब फाइनल में उनका मुकाबला था पाकिस्तान के साथ, जहां ग्लेन मैकग्रा, शेन वार्न और एडम गिलक्रिस्ट जैसे उनके मैच विनर खिलाड़ियों ने मैच को एक तरफा बना दिया, जिसकी मदद से ऑस्ट्रेलिया ने यह फाइनल मुकाबला 8 विकेट से जीतकर दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। वो इस वर्ल्ड कप में 398 रन बनाकर इस टूर्नामेंट के सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर भी रहे। इसी साल उन्हें टेस्ट टीम की कप्तानी भी मिल गई, जिसके बाद टेस्ट क्रिकेट में भी ऑस्ट्रेलिया का दबदबा शुरू हो गया। इस दौरान कप्तानी के दबाव के बावजूद उन्होंने अपने परफॉर्मेंस को कभी गिरने नहीं दिया। अपनी कप्तानी में स्टीव वॉ ने ऑस्ट्रेलियन टीम को विश्व की सबसे मजबूत टीम बना दिया था, जो लगातार नए रिकॉर्ड कायम कर रही थी। इसी क्रम में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में लगातार 16 मैचेस जीतने का रिकॉर्ड भी बना डाला। साल 2002 तक आते आते स्टीव वॉ अपने करियर के आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके थे। इस दौरान ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने साल 2003 के वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए स्टीव वॉ को एक दिवसीय टीम से ड्रॉप कर दिया और साथ ही कप्तानी से भी हटाकर रिकी पॉन्टिंग को एक दिवसीय टीम का कप्तान बना दिया, जिससे स्टीव वॉ काफी नाराज भी हुए थे। साल 2003 में साउथ अफ्रीका की धरती पर वर्ल्ड कप होने वाला था और स्टीव वॉ चाहते थे कि वो इस वर्ल्ड कप में खेलते हुए एक दिवसीय क्रिकेट को अलविदा कहे, लेकिन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने स्टीव वॉ को एक दिवसीय टीम में आने का दोबारा कोई मौका नहीं दिया, जिसकी वजह से उनकी ये इच्छा अधूरी रह गई। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उनके रन बनाने का सिलसिला जारी रहा। साल 2003 में ही उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 115 रनों की शानदार शतकीय पारी खेलकर सर डॉन ब्रैडमैन के 29 शतकों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। हालांकि वो टेस्ट क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन तो कर रहे थे, लेकिन बढ़ती उम्र और नए टैलेंट को मौका देने के बारे में सोचते हुए उन्होंने अपने रिटायरमेंट के बारे में भी प्लान करना शुरू कर दिया था। अंत में भारत के खिलाफ सीजन 2003-04 के घरेलू बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज के बाद इस बेमिसाल सितारे ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों को अलविदा कह दिया। उन्होंने अब तक के अंतरराष्ट्रीय करियर के दौरान 168 टेस्ट मैचों में 51.6 की औसत से 32 शतकों और 50 अर्धशतकों की मदद से 10,927 रन बनाए हैं, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 200 रन है।
वहीं 325 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 32.90 की औसत से 3 शतकों और 45 अर्धशतकों की मदद से 7,569 रन बनाए हैं, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर नाबाद 120 रन है। इसके अलावा वो एक बेहतरीन पार्ट टाइम गेंदबाज भी रहे हैं, जिन्होंने टेस्ट मैचों में 92 विकेट चटकाए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 28 रन देकर 5 विकेट है। इसके अलावा वो एक दिवसीय मैचों में भी 195 विकेट लेने में कामयाब रहे हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 33 रन देकर 4 विकेट है। स्टीवा महान सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा की तरह क्रिकेटिंग गॉड तो नहीं थे और ना ही महान भारतीय बल्लेबाज राहुल द्रविड़ की तरह टेक्निकली ब्रिलियंट थे, लेकिन इसके बावजूद उनका कद इन महान खिलाड़ियों से कभी भी कम नहीं रहा। वो सही मायनों में एक शानदार खिलाड़ी और महान कप्तान थे, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन टीम को जीतना सिखाया और भविष्य के लिए ऑस्ट्रेलिया को एक ऐसी टीम तैयार करके दी जिसने आने वाले कई सालों तक विश्व क्रिकेट में एक तरफा राज किया। उनकी कैप्टेंसी रिकॉर्ड की बात करें तो उनकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने 57 टेस्ट मैचों में 41 में जीत दर्ज की है और 9 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। वहीं 106 एकदिवसीय मैचों में ऑस्ट्रेलिया 67 मैचों में जीत दर्ज करने में कामयाब रही है। ये आंकड़े ये साबित करने के लिए काफी है कि वो कितने काबिल कप्तान थे। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने साल 1990 में अपनी गर्लफ्रेंड रही लिनेट वॉ से विवाह किया है, जिनसे उन्हें 3 बच्चे भी हैं। क्रिकेट के अलावा वो चैरिटी के कामों में भी काफी इन्वॉल्व रहते हैं। क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बाद उन्होंने द स्टीव वॉ फाउंडेशन की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य उन बीमार और शारीरिक रूप से कमजोर बच्चों की मदद करना है, जिनकी दूसरे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन मदद नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कोलकाता में स्थित कुष्ठ रोग से ग्रसित बच्चों के रिहैबिलिटेशन के लिए काम करने वाली एक रेसिडेंशियल सेंटर उदयन के मदद के लिए भी काफी काम किया है। फिलहाल वो सोशल वर्क करने के साथ साथ अपने बेटे ऑस्टिन को क्रिकेट की ट्रेनिंग भी देते हैं। इतना ही नहीं, ऑस्टिन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से साल 2018 के अंडर 19 वर्ल्ड कप भी खेल चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आने वाले समय में हम उन्हें अपने पिता की तरह ही एक महान क्रिकेटर के तौर पर उभरते हुए देखेंगे। तो दोस्तों, ये तो थी ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज और बेहतरीन कप्तान रहे स्टीव वॉ की शानदार सफर की एक छोटी सी दास्तान। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।